नमस्कार, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 का पाठ 7, दान का हिसाब। एक था राजा। राजा जी लकदक कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपए खर्च करते रहते थे। जो राजा जी थे वो लकदक कपड़े पहनकर हजारों रुपए खर्च कर देते थे, पर दान के वक्त, जब बात दान करने की आती थी, दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। मतलब फिर वो कुछ भी खर्च नहीं करते थे, उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। राज्यसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे, जिनकी राज्यसभा लगती थी। राजा आते थे, उसमें मंत्री सब लोग बैठा करते थे, उसमें एक से एक नामी लोग आते रहते थे। लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन, इनमें से कोई भी नहीं आता था। तो जो जो गरीब थे, दुखी थे, विद्वान और सज्जन, इनमें से कोई भी वहाँ पर नहीं आता था, क्योंकि वहाँ पर इनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था, उनका सम्मान, उनका सत्कार नहीं किया जाता था। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया, जिस देश का ये जो राजा था वो दान नहीं करता था, उसमें एक बार क्या हुआ, अकाल पड़ गया। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। अब वहाँ के जो लोग थे वो मरने लगे। राजा के पास खबर आई, वे बोले, यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। इतनी बड़ी समस्या आई, तब राजा ने ऐसा बोला कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। लोगों ने कहा, महाराज, राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीद कर अपनी जान बचा सकें। ये लोगों ने महाराज से कहा, अपने राजा से कहा। राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कहीं भूकंप आया है, परसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, दो वक्त की रोटी नहीं जुटती। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार खत्म हो जाएगा, तब मैं खुद ही दिवालिया हो जाऊंगा। यह सुनकर सभी निराश होकर लौट गए।